हेलो, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर फ्रॉम उदयपुर, राजस्थान। पिछले 2.5 वर्षों से मैं टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ और क्रिस्टल थेरेपी, अरोमा थेरेपी, इनकी गाइडेंस भी आप लोगों को अपने चैनल पर देती रहती हूँ। बहुत ढेर सारी, लगभग 1000 के लगभग, या शायद उससे कुछ ज़्यादा ही होंगी, पर्सनल रीडिंग्स मैंने अब तक करी हैं। और बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ्स के साथ में उनको जानने का, इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला है। जब मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स करती हूँ तो लोगों के पास्ट लाइफ्स की एनर्जीज में भी झांकने का मौका मिलता है, और उनकी पास्ट लाइफ में उनकी क्या एनर्जी रही, उस अकॉर्डिंग आज की उनकी लाइफ कैसी है, और आज की उनकी जो लाइफ है उसकी वजह से वो और अधिक क्या ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, और अधिक क्या नेगेटिव कर्मा अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से इस ज़िंदगी में भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी, ढेर सारी एक डेटा मेरे पास इकट्ठा हो गया था, और मैं क्योंकि रिसर्चर हूँ, और कोई भी हम लोग जब साइंस फील्ड में हम लोग किसी प्रॉब्लम पर काम करते हैं तो बहुत ढेर सारा, हम उसको रिव्यू वर्क कहा जाता है, डेटा एनालिसिस कहा जाता है, डेटा इकट्ठा करते हैं बहुत अलग अलग जगहों से, अलग अलग वैरायटी के डाटा इकट्ठा करके हम उस प्रॉब्लम की रिसर्च करते हैं और एक प्रोबेबल सोल्यूशन उसका हम निकाल के लेके आते हैं। तो 2.5 सालों के अंदर जो हज़ारों लोगों के साथ में मैंने काम किया, उनकी एनर्जीज को चेक किया, उनके चक्रा की स्थिति को चेक किया, वो किस तरह के उनका व्यवहार है, किस तरह के उनके रिलेशन है, किस तरह की फाइनेंशियल स्थितियां हैं, कैसे उनके पास्ट लाइफ कर्मा रहे, ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद और इसकी एक थॉरो एनालिसिस करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि ज़िंदगी में अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आप जूझ रहे हैं, या आप करियर में जूझ रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ फ्रंट पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्सनल रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, लव रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, मन चाहे ज़िंदगी आप पाना चाहते नहीं पा सक रहे हैं, हर अच्छी चीज़ पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो इसके पीछे आपने प्रेजेंटली इस समय, इस ज़िंदगी में जो आपने एनर्जीज क्रिएट करी उसकी वजह से बहुत सारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस, और पास्ट लाइफ में आप जो कर्म करके आए हैं उसकी वजह से भी आपके बहुत सारे ब्लॉकेज बन जाते हैं। भले इस लाइफ टाइम में आप एक बहुत अच्छे भले इंसान हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, फिर भी आपके काम नहीं बन पाते क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं जिनका प्रभाव अभी तक है। और इस लाइफ के अंदर भी क्योंकि हमारे पास्ट कर्मा ही हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं, हमारे एक्शंस को प्रभावित करते हैं इस जन्म के भी, तो पास्ट लाइफ के प्रभावों की वजह से आप इस जन्म में भी गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत विचार चल रहे हैं, और आप और अधिक एनर्जी ब्लॉकेज अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि और रीडिंग कर करके ये समझा मैंने अपने लेवल पर कि कितनी तरह के ब्लॉकेजेस होते हैं एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, कौन से ब्लॉकेज की वजह से क्या परेशानी आती है, और फिर मैंने ये भी स्टडी किया कि हर एक प्रकार के ब्लॉकेज को हटाने का क्या तरीका है, आपकी इम्बैलेंस एनर्जी को बैलेंस में लाने का क्या तरीका है। और ये सारा रिसर्च करने के बाद में मैंने अपना एक कोर्स तैयार किया जिसको मैं स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स कहती हूँ, और इस कोर्स के अंदर तमाम, आज दिन तक की मैंने जितनी एक्सरसाइजेस, जितनी रीडिंग्स ली हैं और जितने क्लाइंट्स के साथ मैं कांटेक्ट में आई हूँ, तो जितने भी ब्लॉकेजेस पॉसिबल थे, जितने मुझे अब तक मैंने स्टडी की, उन सब ब्लॉकेजेस को हील करने के तरीके, उनके बेसिक कारण, उनके पीछे के क्या कारण रहे हैं, उनको कैसे हील किया जाएगा, उन पर कैसे एनर्जी का बैलेंस किया जाएगा, ये सारा डिटेल स्टडी करने के बाद में मैंने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स को तैयार किया है। और हर एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों के साथ में डील किया, इतनी ज़्यादा रीडिंग्स करी हैं, इतने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने की, उनके कारणों को मैंने समझने की कोशिश की, कि एक बात तो मैं एक गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि आपको जो मानव जीवन मिला है ना, वो किसी, और आप इस धरती पर अगर आए हैं जिसको मृत्यु लोग कहते हैं, इस पर अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली आपके कुछ पास बैड कर्मा का बैगेज आप ज़रूर लेकर आए हैं जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब दो ही तरीके होते हैं, या तो आप अपने उन कर्मा के बैगेज की वजह से ज़िंदगी भर परेशान होते रहें, या फिर आप अपने लिए, खुद के लिए सतर्क हों, जागृत हों और उन कर्मा बैगेज को रिलीज करने के लिए कुछ प्रयास करें। और लोग कुछ करना भी चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम जीवन में चेंज हो, हमारी एनर्जी चेंज हो, हम ऐसे नहीं जीना चाहते, हम परेशान नहीं रहना चाहते, कोई हमें उपाय बताए, कोई हमें कुछ गाइड करे,
वही उपाय, वही गाइडेंस देने के लिए मैंने ये हीलिंग कोर्स तैयार किया है। और मैं हर एक व्यक्ति को जिस तक भी ये वीडियो पहुंचे, मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार आप इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स को आप ज़रूर करें। आप ज़िंदगी में कहाँ गलत सोच रहे हैं, कहाँ आप गलत विचार रखते हैं, कहाँ आप गलत डिसीजंस लेते हैं, कौन से एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारा कुछ आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा। आपकी अपने ब्लॉकेजेस आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएंगे, उनको आप इजीली आप हटा सकेंगे। एक इजी गोइंग, एक फ्लो में आप लाइफ जीना अगर चाहते हैं, अगर एक तनाव रहित ज़िंदगी अगर आप जीना चाहते हैं, तो हर एक व्यक्ति को इस तरह का, या एटलीस्ट मुझे नहीं पता और कहीं दुनिया में इस तरह के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्सेज हैं नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जितने लोगों ने मुझसे हीलिंग कोर्स लिया आज वो बहुत बेहतर मानसिक स्थिति में है, बहुत बेहतर पर्सनल लाइफ जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में पहले से कहीं अधिक खुश हैं, आज कहीं अधिक बैलेंस हैं, रिश्तों में, करियर में आगे जा रहे हैं। इसलिए मैं इस हीलिंग कोर्स को इतना प्रमोट करती हूँ, बार 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 इस हीलिंग कोर्स के लिए आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर ज़िंदगी में किसी भी तरह की परेशानी है तो पहले तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आपकी आपका ब्लॉकेज है क्या, आपको आपका जो ये जो ब्लॉकेज बन रहा है वो इस लाइफ टाइम का ब्लॉकेज है कि आपका पास्ट लाइफ टाइम का ब्लॉकेज है, क्या एनर्जेटिक हीलिंग की आपको ज़रूरत है, ये सब पता लगाने के लिए आपको एक पर्सनल टैरो रीडिंग लीजिए, आकाशिक टैरो रीडिंग लीजिए, जिसमें आपको ब्लॉकेजेस आइडेंटिफाई होते हैं और उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए फिर आपको स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स लेना होता है। जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आपके ये ब्लॉकेज है, आपको इस तरह की हीलिंग की ज़रूरत है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचने की टेंडेंसी नहीं, आप लोगों की परेशानियों को देखकर मैंने वो कोर्स तैयार किया है, मेरे पास कोर्स है इसलिए मैं उसको सेल नहीं कर रही हूँ, आप लोगों की परेशानियाँ हैं उसी लिए मैंने उस कोर्स को प्रिपेयर किया है और वो कोर्स के परिणाम इतने प्रॉमिसिंग है कि जब भी कोई परेशानी में होता है तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि इसको मेरे पास आना चाहिए, मैं इसको सही गाइड करूँ, और एटलीस्ट जब मैं आपको गाइड करूँ, आपके साथ मैं अपना एनर्जी लगाऊंगी, अपना टाइम लगाऊंगी, तो बदले में एक नॉमिनल फीस मेरी बनती है जो कि मैं लेती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरी तरीके से फ्री में आप लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड करना चाहती हूँ या कर रही हूँ, मैं अपनी नॉमिनल फीस लेती हूँ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी प्राइम इम्पॉर्टेंस है और मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति जो फाइनेंशियल, यार आप ढेर सारे पैसे कपड़ों में खर्च कर देते हैं, आप अलग अलग जगहों पर हम अपना पैसा वेस्ट ही करना कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में जो आप मनी मुझे देंगे, अपने खुद को दे रहे हैं, वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट को ज़रूर से कीजिए, हर एक व्यक्ति को ज़िंदगी में एक बार तो अपना हीलिंग करना ही चाहिए। हीलिंग करने का मतलब है कि तन से मन से कैसे बैलेंस में आ जाए, कैसे एनर्जीज को बैलेंस करें ताकि आगे आने वाले चैलेंजेस को अच्छी तरह से हम फेस कर पाएं। तो जीवन में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, यू जस्ट कम टू मी, हम आपके लिए एक सेशन में टैरो कार्ड्स के द्वारा कार्ड रीडिंग करती हूँ मैं, तो टैरो कार्ड्स के द्वारा आपके ब्लॉकेजेस पहचानेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेस को पहचानेंगे, अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक कस्टमाइज्ड स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आपको बना के दे पाऊँगी। उस हीलिंग कोर्स को आप लीजिए और अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स से निजात पाइए। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है ताकि हम अपने पुराने कर्मा बैगेज को रिलीज करें, अपनी आत्मा का विकास करें और एक सुखी शांतिपूर्ण जीवन जिएं, न कि इसलिए कि हम अभावों से ग्रस्त रहें और परेशानियों से त्रस्त रहें। अभावों से हमेशा के लिए छूटने का प्रयास कीजिए, परेशानियों को छोड़कर खुशी खुशी आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कीजिए। परेशान होते रहें, दूसरों को ब्लेम करते रहें, हम रोते रहें, हम शिकायतें करते रहें, हम मनुष्य इसके लिए नहीं बने हैं। हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी परेशानी के जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, और उसको हम डेडिकेटेडली वर्क करके सॉल्व करने की कोशिश करें एंड वंस एंड फॉर ऑल उस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए हम निदान कर सकें। इसी गाइडेंस के लिए मैंने ये चैनल खोला, इसी गाइडेंस के लिए बार 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 मैं जो आपके सामने वीडियोज़ लेकर आती हूँ, दैट इज़ माई बिजनेस। लेकिन मेरा इस बिज़नेस का बेस, जो जिसकी वजह से मैंने ये बिज़नेस तैयार किया था, वो है परेशानी में घिरे हुए लोगों की सेवा करना, परेशानी में घिरे हुए लोगों को सही गाइडेंस देना। जनरल रीडिंग्स देखते रहने से या दूसरे व्यक्तियों की एनर्जी चेक करने से आपकी ज़िंदगी का समाधान नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी का, आपकी परेशानियों का समाधान तब होगा जब आप मेरे पास आएंगे,
सही गाइडेंस लेंगे और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपने लिए एक कस्टमाइज स्पिरिचुअल कोर्स आप लेंगे और उसको आप डेडिकेटेडली सिंसियरली करेंगे तो ही आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत हैप्पी चेंज आप ला पाएंगे। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को इतना लाइटली मत कीजिए, आप इम्पॉर्टेंट हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बने हैं। कम टू मी, आई विल गाइड यू।